इसमिल रही असला उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज थ्री और नॉट आपने जस्ट बताना है कि क्या जो है ये एक्सप्रेशंस जो पे गिवन है ये पॉलीनोमियल्स है या नहीं अब पॉलीनोमियल्स की क्या निशानदेही है ये मैं आपको बताती हूँ पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स में हमेशा याद रखिएगा कि जो वेरिएबल का पावर होगा हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो के कल होगा इसके अलावा नहीं हो सकता मीन्स की नेगेटिव नहीं हो सकता या फ्रैक्शन में पावर नहीं हो सकता सो so अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें सारे पावर्स जितने भी पावर्स यहाँ पे है जैसे स्क्वेयर है यहाँ पे वन है यहाँ पे स्क्वेर है यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे जीरो है दैट मीन्स कि ये जो है आपके पास पोलिनोम है इनकेस यहाँ पे कोई माइनस में होता पावर तो हम कहते कि पोलिनोम नहीं है सो दैट दीन्स आप इसको कहेंगे कि दिस एज पोलिनियल नाउ लुक एट द सेकेंड वन कि यहाँ पे थ्री एक्स वाई माइनस टू है इसका मतलब यही है कि ये थ्री एक्स डिवाइडेड बाय वाई स्क्वेर इस तरह से है यानी जो पावर है पहली निशानदेही तो ये है कि यहाँ पे पावर जो है नेगेटिव में आ रहा है जब भी नेगेटिव में आ जाए तो समझ लीजिएगा कि यह पोलिनॉमिल नहीं हो सकता और इसकी एक और निशानदेही ये है कि आपने इसको लिख लिया ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में पावर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि वो जो है पोलिनॉमल नहीं हो सकता वो फिर रेशनल हो जाएगा राइट ना तीसरा देखिए सिक्स एक्स स्क् माइनस टेन एक्स प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ फोर्टी फाइव अब आपने इस रूट ऑफ फोर्टी फाइव में जो है कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये जो है एक नंबर है मैंने आपसे क्या कहा था कि वेरिएबल के ऊपर जब पावर पॉजिटिव हो या जीरो के इक्वल हो तो वो polynomial होता है दैट पोलिनोम ये जो केस हमारे पास ये पोलिनोम है क्योंकि यहाँ पे जो है बेसिकली एक्स टू दावर जीरो है यानी वेरिएबल नहीं है तो दैट मीन्स एक्स टू दावर ये जीरो है ये नंबर है तो नंबर के ऊपर रूट हो कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता दैट मीन दिस इज अ पोलिनोम जो था, ये पोलिनोम नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं नॉट अ पोलिनोम राइट नाउ लुक यहां पे है जैसे आपने क्वेश्चन में देखा यहां पे नंबर के ऊपर रूट आ रहा था यहाँ पे अब वेरिएबल के ऊपर रूट आ रहा है बांखे बंद करके आप बता सकते हो कि ये जो है आपके पास पोलिनोम नहीं हो सकता क्योंकि इस केस में जब आप इसको लिखेंगे तो पावर किस फॉर्म में आएगा फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा यानी एक्स टू दी पार वन बाई टू आएगा यहाँ पे राइट तो दैट मीनस कि ये जो है आपका पोलिनोम नहीं हो सकता दिस हेज नॉट अ पोलिनोम नाउ लुक लुकेट द नेक्स्ट क्वेश्चन टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू आप समझ लीजिए यहां पे जो है फ्रैक्शन में आ रहा है जो वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में आ रहा है दैट मीन्स आप जब इसको ऊपर शिफ्ट कर लेंगे तो जो एक्स का जो पावर है नीचे डी नॉमिनेटर में ये वन है ऊपर जाएगा माइनस वन बन जाएगा means, ये नहीं हो सकता ये भी जो है नॉटीनॉमल है राइट एंड लुक इट द लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे भी सेम ही है कि टू बाई एक्स है एक्स के ऊपर पावर क्या है वन है लेकिन जब आप इसको ऊपर शिफ्ट कर लेंगे एक तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है दूसरा ये कि आप इसको युवा लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा टू एक्स माइनस वन अब नेगेटिव में पावर आ गया तो समझ लीजिए कि ये क्या है ये पोलिनोम नहीं है सो so आप इसको लिख सकते हैं कि नॉट अ इसी तरह से आप देख लेंगे नंबर टू एग्जामिन वेदर डि फॉलोविंग एक्सप्रेशन आर रेशनल और नॉट यहां पे अब आपने बताना है कि क्या ये जो एक्सप्रेशन है ये रेशनल है या नहीं अब रेशनल को देखने का तरीका ये है कि आप आपको पता होना चाहिए कि p/q के फॉर्म में जीन एक्सप्रेशन को लिखे जा सकते हैं और वो जो है आपके पास रेशनल होते हैं अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये p/q रिफ्रैक्शन फॉर्म में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है दैट मींस या के इंडिकेशन हो कि ये जो है आपके पास क्या है रेशनल है राइट right? सो so आपने लिख लिया रैशनल नाउ अब सिनेरियो देखें दूसरा कि यहां पे भी जो है जब दूसरे सवाल को आप देखोगे कि यहाँ पे भी आप पी बाय क्यों क्यों फॉर्म में इसको लिखा गया है राइट पी बाय क्यों फॉर्म में ये ऑलरेडी है लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वो रूट के अंदर आ रहा है जब भी रूट के अंदर वैल्यू आ जाए एक्स के तो समझ लीजिएगा कि रेशनल नहीं हो सकता ये जो है फिर इ हो जाएगा राइट सो आप इसको लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि इेशनल है या नहीं सो आप इसको लिख ले कि नॉट रेशनल राइट नाउ लुक एट द राइट लेकिन यहाँ पे आप इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि root of 7 है की रूट ऑफ सेवन है यहाँ पे तो आप इसको बता देंगे कि रेशनल है नहीं ये रेशनल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है सेवन लिखा है वेरिएबल नहीं है ये कोई नंबर है राइट right? अब जब आप वेरिएबल्स की वैल्यूज को देखेंगे तो ये जो है रूट के अंदर नहीं है दैट मीन कि ये आपके पास क्या है यह आपके पास रेशनल है नाउ लुक एट द थर्ड द फोर्थ वन यहाँ पे जो है वेरिएबल की जो वैल्यूज है रूट के अंदर है और सारे रूट के अंदर है सो so, आप डायरेक्टली बता सकते हो कि दिस इज नॉट रेशनल नाउ द फिफ्थ वन फिफ्थ वन इज सिंपल सेवन बाई एक्स प्लस सेवन है पी बा के फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है और कोई रूट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है वेरिएबल के साथ सो दैट मीन्स ये क्या है ये रेशनल है राइट right? इस तरह से इंडिकेशन आपने याद रखने हैं लास्ट क्वेश्चन देखिए, फाइव रूट ऑफ एक्स है माइनस एक्स प्लस फाइव एक्सर अब कोई एक भी वैल्यू रूट के अंदर आ जाए तो समझ लेना कि जो है ये रेशनल नहीं हो सकता ये नॉट रेशनल होगा आई होप सो कि आपको ये समझ आ गए होंगे

P माइनस टेन पी प्लस टेन बन जाएगा कोई आगे सॉल्व नहीं हो सकता इसलिए मैं कोशिश करूंगी अब यहाँ पे कि P स्क्र प्लस टेन है डी में ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी मैं ये टर्म इसकी हेल्प से बनाने की कोशिश करूंगी राइट right? सो so, आप देखिए कि अगर मैं इसको लिखूं P स्क्वेयर प्लस टेन और माइनस वन टेन देखिए देखिये प्लस टेन माइनस वन टेन को आप सोल्व करेंगे माइनस हंड्रेड ही बन जाएगा दैट मीन्स यहाँ पे इसकी वजह से कोई जो है डिफरेंस हाँ, नहीं क्रिएट होगा दिस इज दिस सेम थिंग पी स्क्वेयर प्लस टेन आपने यूँ लिख लिया अब देखिए कि अब पी स्क्वेयर प्लस टेन को मैं इसके साथ अलग से लिखूंगी और माइनस टेन को मैं डिनोमिनेटर के साथ अलग से लिखूंगी यानी ऐसा लिख सकती हूँ पी स्क्वेयर प्लस टेन डिवाइडेड बाई पी स्क्वेयर और माइनस डिवाइडेड बाई पी स्क्वेयर राइट देखिए ये और ये कैंसिल हो सकते हैं मैं इसको लिख सकती हूँ वन माइनस वन टेन डिवाइडेड बाई पी इसके बाद जब आप मजीद इसका एग्जाम लेने की कोशिश करेंगे तो वापस यही टर्म बन जाएगा दैट मीन्स यहां तक जो है पॉसिबल है कि थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो यही आपका आंसर होगा नाउ क्वेश्चन नंबर टू पे जरा गौर कीजिए कि थ्री ए बी माइनस थ्री ए है में दोनों से आप कॉमन निकाल सकते हो और डी नोम में देखे कि यहां पे भी जो टर्म्स है इनमें से आप कॉमन निकाल सकते हो दैट मीन इस तरह से आप ये सवाल सॉल्व करना स्टार्ट कर लोगे सोल्यूशन देखे ऊपर में थ्री ए डी न्यूमिनेटर में कॉमन निकाल सकती हूं तो पीछे क्या बचेगा बी माइनस ए राइट डिवाइडेड बाय डी में देखिए क्या कुछ मैं कॉमन निकाल सकती हूँ एक तो मैं थ्री कॉमन निकाल सकती हूँ साथ में ए भी कॉमन निकाल सकती हूँ राइट right? सो so, मैंने यहाँ पे थ्री ए कॉमन निकाल लिया और अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के ए प्लस टू बी राइट एंड प्लस बी स्क्वेयर अब ये चाहिए ये चाहिए आपस में कैंसिल होंगे तो क्या आ जाएगा आंसर बी माइनस ए डिवाइडेड बाय a plus 2b plus b बी दिस विल बी द फाइनल आंसर क्योंकि इससे आगे ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता ए माइनस वी है यहाँ पे ए प्लस बी है अब ये चीज देखिए इस पे आप काम कर सकते हो क्योंकि यहां से जो है ए स्क्वेयर और यहाँ पे ए दोनों जगहों पे ए कॉमन है ए को आपने कॉमन निकाल लिया और यहां पे देखिए टू कॉमन है तो आप टू कॉमन निकालेंगे आप प्रोसीड कर लें ए माइनस बी ये तो मजबूत सिंप्लीफाई नहीं है आपने एज इट इज देख लिया ए प्लस बी आपने इट इज देख लिया राइट एंड मल्टीप्लाई है दरम्यान में यहाँ से आपने ए कॉमन निकाल लिया और अंदर बचेगा ए प्लस बी राइट एंड डिवाइडेड बाय नीचे आपने टू कॉमन निकाल लिया और अंदर बचेगा ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर अब देखिए क्या कुछ कैंसिल हो सकता है कोर्स हो सकता है ए प्लस बी से यहां से ए प्लस बी अब इसको मजीद लिखे a माइनस बी इन टू ए डिवाइडेड बाई टू इन टू अब देखिए यहाँ पे अगेन फॉर्मूला है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी दट मीनस ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी मैं इसको लिख सकती हूँ राइट अब मजीद ये कैंसिल होगा ए माइनस बी यहाँ से ए माइनस बी यहाँ से राइट right? सो so मैं इसको क्या लिखूंगी ए डिवाइडेड बाई टू इन टू ए प्लस बी

प्लस वाई माइनस सी एक दफा माइनस के साथ और एक दफा एक्स प्लस के साथ प्लस वाई प्लस यहाँ से और यहां से ये दोनों कैंसिल हो गए सो दैट मीन द फाइनल आंसर इज एक्स प्लस वाई माइनस सी राइट एट दिस क्वेश्चन कि आप कॉमन निकालें यहां से यहां से भी और डिनोमिनेटर से भी राइट सो लेट स्टार्ट मैं फर्स्ट जो टर्म है उसको मैं लिख सकती हूँ M M right? और दूसरे को मैं लिख सकती हूँ इज फिफ्टीन डिवाइडेड बाय यहाँ से मैंने टू कॉमन मैं निकाल लिया टू इन टू एम माइनस टू सिक्स इज ट्वेल्व राइट अब देखिए ये एम माइनस सिक्स ये एम माइनस सिक्स कैंसिल हो गए सो so, ऊपर क्या बचेगा थ्री एम एन टू एम प्लस फाइव और डिवाइडेड बाय टू राइट नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर सवाल को देखिए यहाँ पे भी जो है तीन टर्म तो हम मिडल टर्म को ब्रेक करके इसको सॉल्व कर लेते हैं देखिए यहाँ पे आपके पास है एक्स स्क्र माइनस टू एक्स माइनस थ्री अब थ्री के साथ यानी ये जो दो है मल्टीप्लाई आप करते हो प्लस माइनस इज माइनस यानी माइनस थ्री एक्स स्क्र बन जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर अब थ्री के फैक्टर्स क्या है वन मल्टीप्लाई बाई थ्री इज थ्री मुझे दरमियान में माइनस का साइन चाहिए और मुझे ये पता है कि प्लस माइनस एस माइनस प्लस माइनस इज माइनस इसके साथ भी एक्स आएगा इसके साथ भी एक्स आएगा अब देखिए यही सेम फैक्टर में यूज कर लेती हूँ तो ये जो है दरमियान वाला टर्म बन सकता है यानी प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स एस माइनस टू एक्स सो मैं यही यहाँ पे यूज कर लेती हूँ कि एक्स स्क् माइनस टू एक्स की जगह में क्या लिख प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स राइट और माइनस थ्री एज इट इज डिवाइडेड बाई अगेन दूसरे के साथ भी यही काम कर रहे माइनस एक्स माइनस टू है फैक्टर्स देखने और टू के फैक्टर्स है वन मल्टीप्लाई बाय टू एज टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इज एक्स स्क्र राइट सो अगेन आपने आपको माइनस साइन चाहिए दरम्यान में तो बड़े के साथ आप माइनस लिखिए और छोटे नंबर के साथ आप प्लस लिखिए ताकि आंसर में आपके पास माइनस का साइन आ जाए दैट मीन्स यहां पे आप लिख सकते हो एक्स स्क्स एक्स राइट और माइनस टू एक्स माइनस टू आप इसको सॉल्व कर ले दो दो टर्म्स में से आप कॉमन निकाले एक्स इन टू एक्स प्लस वन आएगा यहाँ पे और यहां से माइनस थ्री आपने कॉमन निकाल लिया तो x माइनस प्लस इज माइनस राइट प्लस आएगा साथ में वन क्योंकि थ्री मल्टीप्लाई बाय वन इज थ्री राइट डिवाइडेड बाय नीचे एक्स इन टू एक्स प्लस वन और यहाँ से माइनस टू कॉमन निकाल लिया एक्स प्लस वन राइट बिनको कंबाइन लिखे एक्स प्लस वन आपने एक दफ़ा लिख लिया और एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन आपने एक दफा लिख लिया साथ में एक्स माइनस टू देखे एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनल क्या आएगा हमारे पास एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू Which is your final answer? Thanks for watching us!